বেলেগ লাম সক সাংগঠনিক নাইকমাই আপনি তাকুতে বুকসুন তিন বেলায় কেন লাম ফাইশ পেকা তিন 19 August 2022 নরযতন সাইমন তিনি সাল কা বেলায় তিনি লাইকুম বাবা তিনি নির্বাচন বিভাগে তিনি খাস তিন বিভাগে বেলা নাকু মানি সাল তামনিকে তিনি হাই আগস্ট 19 August সাল মারো তিনি 184 কি নিবিসিব খাস তিনি বাগে তিনি দেশ তিনি বাগে তিনি খাস নক দাল খাস নাম নাই তিনি যত নি কারি তিনি গুবাগরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক जुदा जुदा थे नोमा नाकू मानी बरम विशिंग जे मानते तिरक तिरक से बरम रुबई आसमा सालों पाल अब आगत नयू मानस दंग बेलाई खादों खादों आसमा सालों पाल दंगे दावे पानु पत्र के लुबा दंग तिरक तिरक गाने पानी जो सैमाल गुबाग्रांति सैमा जो दंग सैमालय सालों रुगे बोमाय दांगबतान हाजागै तं ताम ताम खाय थाय तं जावन बागेन रखनो पायासक मा फुनो तंगै आंबन रो जायबो नाय तं बि जिनि नसाबाय जि यूनिटी ने कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है तो हम लोग वही याद करते हैं। पॉलिटिक्स तो एक दूसरा चीज है, वो सब छोड़ के सबको एक जैसा होकर मिलजुल के महाराजा वीर विक्रम का जो विजन था उसको आगे ले चलता है। तो हमारा यही है जो भारत ने इतना देश के राष्ट्र के लिए कार्य किया है, लेकिन गवर्नमेंट हो जो भी हो इतना उसको इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? यही हमने बोला था कि जैसे ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं होता है कि जन्मदिन हुआ फिर बर्थडे हो गया खत्म। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो मनुष्य ने इतना कुछ किया त्रिपुरा के लिए, सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए किया, तो उनको तो कोई सम्मान देना चाहिए। तो कैसा सम्मान दें? जैसा कि अभी बत्ताला हम लोग जा रहे हैं, उनका वहाँ पे हम लोग रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड है, समाधि का हालत खराब है, वहीं पे कचरा वहीं पे फेंकता है। ये कोई हम लोग इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहा ना, मूर्ति लगा दिया तो इसका मतलब नहीं है कि यही एक चीज़ है। जिनको हम लोग को और इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, प्रमोट करना चाहिए था, सिर्फ दो तीन चीज़ करके यही नहीं होता है रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप उनका आदर कीजिए और उनके बारे में जो हिस्ट्री में है, हम लोग का जो भी त्रिपुरा में करिकुलम है, कहीं पे भी हम लोग का जो त्रिपुरा का इतिहास है, पुराना इतिहास से लेके राइट टिल नाउ, कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। तो करिकुलम में आना चाहिए ब्रीफ में भी, तो क्योंकि नहीं तो स्टूडेंट्स लोग को जब तक पता नहीं चलेगा कि हम लोग का त्रिपुरा में कितना ग्रेटनेस था, हम लोग को अंदर में प्राइड नहीं आएगा, एक गर्व होना चाहिए, तो हम लोग बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए करिकुलम में भी अच्छे से लाने के एंड टू मेंटेन जो कुछ महाराज ने बनाया वो मेंटेन करना है, और उनका जो समाधि का जगह है उसको साफ करके क्लीन करके प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग बेइज्जती कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन मूर्ति में फूल लगाने से ये सब हम लोग का मतलब एक शर्म का बात। तो हम यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, ठीक है, और हम चाहते हैं कि सब लोग को मिलजुल के महाराज का विजन के लिए काम करना चाहिए। दिस इज माई मैसेज। थैंक यू।